जी बिल्कुल अगर गुजरात के मौसम की बात की जाए तो गुजरात का मौसम जो है वो शदीद तरीन गर्मी के बाद जो है वो आज ठंडा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर जो है मूनसून की आज पहली बारिश जो है वो हुई है और पाँच घंटे तेज़ हवाओं के साथ मुसलसल बारिश जो है वो होती रही है महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश जो है वो एक सौ छः मिली लीटर जो है वो भी रिकॉर्ड की गई है मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस बारिश ने ज़िल इंज़ामिया और म्यूनसपल कॉर्पोरेशन के तमाम तरदामों की जो है वो कलई खोल कर रख दी है देख फोटेज में भी देखा जा सकता है कि लोग जो है वो तीन तीन फिट गहरे पानी में जो है वो परेशान हाल हैं लोगों की सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पर बंद खड़ी हैं जिनको धक्का लगाने पर वो मजबूर नजर आते हैं शहरीों का कहना यह है कि ज़िले इंतमिया और म्यूनसपल कॉर्पोरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन तक रह चुकी है क्योंकि जब भी बारिश आती है तो उस वक्त तमाम का तमाम गुजरात जो है वो डूब जाता है और ज़िले इंतमिया की जानब से ये कहा जाता है कि सीवरेज सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो गया और सीवरेज सिस्टम जो है गुजरात का सीवरेज सिस्टम जो है वो जवाब दे चुका है मैं आपको ये बताता चलूँ कि नशेबी इलाके जो हैं वहाँ पर लोगों के घरों में भी दो दो फुट पानी जो है वो दाखल हो चुका है जिससे लोग अपनी मदद आप के तहत निकालने में मसरूफ़मल नजर आते हैं जबकि ज़िले इंसामिया की जानब से बारिश को थमे हुए पाँच घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो बीत चुका है लेकिन ज़िले इंसामिया की जानब से जो है वो अभी तक निकासी आप का किसी किस्म का कोई बंदोबस्त जो है वो भी नहीं किया जा सका मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुजरात की जितनी भी मेन शहरा हैं जिनमें रहमान शहीद रोड है प्रिंस चौक रोड गुलजार मदीना रोड के तमाम रोड तीन तीन फुट पानी में जो है वो डूबे हुए हैं जबकि यहाँ से भी निकासी आप जो है वो अभी तक नहीं की जा सकी मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिले इंजामिया के अपने दफातर डी सी कम्प्लैक्स और म्यूसिपल कॉरपोरेशन समेत तमाम सरकारी दफातर जो हैं वो भी दो दो फुट पानी तीन तीन फुट पानी के अंदर जो है वो मौजूद हैं शहरीों का कहना यह है कि यहाँ पर जो है वो तमाम के तमाम एम एन एम पी एस जो हैं वो भी गुजरात की हाल हालत जार पर जो है वो रहम करते हुए नज़र नहीं आते क्योंकि अब्र रमत जो है वो हमेशा शहरीों के लिए जहमत बन जाता है क्योंकि गुजरात का जो है वो सीवरेज का दरीना मसला निकासी याप का जो कि आज तक किसी से भी हल नहीं हो सका जी